हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन SE 2 के बारे में। नहीं, आईफोन SE 2 के बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, जिसके नीचे आईफोन SE 2 गायब हो चुका है। वो क्या है, तो चलिए देखते हैं। ये ज़्यादा फ्रेंड से बात नहीं लिया। ये आज है हमारे पास रेडमी 10। लेट्स सी, रेडमी 10 के डिब्बे में हमें क्या क्या मिलता है, लेट्स सी। और हमें मिलता है खुद रेडमी 10, जो भी डिब्बे में होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। ये हमारा ब्लैक कलर में है एज यू कैन सी। और डिब्बे के अंदर देखते हैं, फ़ोन को बाद में देखते हैं, जिसे कोई नहीं देखता वो हम देख रहे हैं, पर वो देखना ही होता है इसलिए। एक सिम एडैप्टर और कुछ कुछ इसमें पुस्तकें होंगी जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर भी हम देख लेंगे। एम आई की थोड़ी बहुत पुस्तकें, मिस इन दैट, किसी को पढ़ना तो पढ़ सकता है और नहीं पढ़ना जब भी कोई शोर वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और एक पावर अडैप्टर जो कि अब एप्पल में मिलना बंद हो चुका है, जिसकी अब आस ही बची है मिलना कभी नहीं। उसके अलावा हमारे पास इसमें है अपना USB, जो कि एक साइड से हमारा USB है एज यू कैन सी, और एक साइड से हमारे पास है Type-C, ताकि चार्जिंग थोड़ी आराम से हो सके। और डब्बा ऐसा है पीछे से एज यू कैन सी। और मुझे पता है किसी को इंटरेस्ट नहीं इन सारी चीज़ों में, तो हम इसे साइड में कर देते हैं और आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। तो अपने फ़ोन को बूट करते हैं फर्स्ट टाइम, और ये बूट हो रहा है। तो ये ऐसा दिखता है बूट होते वक्त। MI पावर्ड बाय एंड्रॉयड, इसे बूट होने देते हैं। और इस पर हम कवर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते इस पर स्क्रैच लगेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा दिख रहा है पीछे से। और हम कवर चढ़ाएंगे जो कि इसके जैसा ही है, बिल्कुल ब्लैक। तो इसे चढ़ाते हैं हम, ताकि हमारा फ़ोन सिक्योर हो जाए स्टार्टिंग से ही। वही तो बड़ा टाइट कवर लिया हम, हो जा, कवर काफ़ी टाइट है भाई साहब, तगड़ा। और ये कुछ ऐसा दिखता है फर्स्ट टाइम बूट होने के बाद, जो कि फर्स्ट टाइम बूट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले कर लिया था, शॉप पे खोल के देख लिया था। और ये ऐसा है हमारा फ़ोन, जैसे ऐसा लग रहा है। उसमें स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको, सेटिंग में चलते हैं। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद, ये हमारा 62 GB वाला वेरियंट है, जिसके अंदर 4 GB की रैम है। डिवाइस नेम आपको दिख रहा है रेडमी 10। MIUI वर्जन आपके आगे हैं, एंड्रॉइड वर्जन है, और सारी चीज़ स्पेक्स देख सकते हैं। 4 GB प्लस 1 GB रैम वर्चुअल रैम है। स्नैप ड्रैगन प्रोसेसर 680, ओक्टा कोर प्रोसेसर मैक्स। उसके अलावा एंड्रॉयड, अभी भी होता है एंड्रॉयड में ये, देखें, हाँ होता था भाई ये, नाइस बैकरो। मॉडल नंबर हमारा ये है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं पता इतना दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, बट ये सारा बैटरी लेवल 51, अभी चार्जिंग पर नहीं लगा हुआ। ओके, एक मिनट से अब टाइम। और स्पेक्स में हम कैमरा फिक्स स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर और आपको क्या चीज़ दिखाऊँ इसमें। सारी चीज़ें जो कि MI के फ़ोन में होती है, वही सारी MI अकाउंट वगैरह डाल के आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, बस फ्रेंड्स बिल्कुल फ्रेश है, आपको बस दिखाने के लिए था कि फर्स्ट लुक इसका कैसा दिखता है। और ये हमारे आगे ऐसे ही है कैमरा ऐसा है। चलो इसके डिब्बे की फ़ोटो खींचते हैं, नहीं अपने आईफोन की फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे करा और ऐसे करके खिंचक पोर्ट्रेट में खिंचक, और लाइव फोटो टेस्ट सबके सामने। डिटेल्स, ये डिटेल्स हैं, ऐसा फ़ोन है। थोड़ा सा ज़्यादा जूम करने के बाद हल्का है, एप्पल लोगों अपनी शेप छोड़ चुका है, बट वैसे ठीक है। ये पोर्ट्रेट मोड था और वो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला ही ऐसा है। नॉर्मल वाले के अंदर ज़्यादा क्वालिटी है, ज़्यादा जूम करने के बाद भी फ़ोटो नहीं फट रही, वैसे ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। ये है रेडमी नोट 10, नहीं रेडमी 10 का रिव्यू, जो कि इसी साल लॉन्च हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। रुको, खत्म होने से पहले दो तीन चीज़ें बताता हूँ, मेरे को अभी दिख गई।
इसके अंदर एक अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर बैटरी है पूरी की पूरी 6000 mAh, सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन में दिखाऊंगा और 6000 mAh की बैटरी और स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा फोकस नहीं हो रहा है, फोकस करते हैं और ये देखिए 15000 की MRP है, ठीक है। मिडनाइट ब्लैक है हमारा और प्रोडक्ट नेम सबको बताइए, क्वान्टिटी है, सारी चीज़ें। इसकी बेस्ट ये थी कि इसके प्राइस रेंज में मेरे को सबसे अच्छा फ़ोन लगा, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लगा, तो मैंने इसे बाय कर लिया। अच्छा प्रोसेसर है, 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज, और आप इसमें नेक्स्ट भी देख सकते हैं, इसमें और वर्जन भी आते हैं। 64GB की जगह पे 128 और 6GB की रैम भी मिलती है इसमें, बट मुझे स्पेसिफिक लगा क्योंकि मैंने अपने पापा के लिए लिया है। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, कि अपने पापा को देने के लिए गिफ्ट सही है या नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप हमारे साथ बने रहिए फ्यूचर की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। It's alright.